पीआईए की लंदन जाने वाली परवाज क्लियरेंस न मिलने के बायस मुलतवी कर दी गई। घंटों इंतजार के बाद मुसाफिरों को तैयारे से ऑफलोड कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म गैलानी ने सरायकी सूबे के क़याम के लिए मुस्लिम लीग नून समेत तमाम सियासी जमातों से राब्तों के लिए रोड मैप तैयार कर लिया। सिंध पुलिस के अफसरान में बड़े पैमाने पर तब्दीलियों का फैसला। मुश्ताक शाह की जगह अख्तर गोरचानी और फयाज लगारी को आईजी बनाए जाने का इम्कान। वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म गैलानी को टेलीफोन। तवानाई कॉन्फ्रेंस के फैसलों पर अमल दरामद न होने पर शिकवा। सुप्रीम कोर्ट ने हुसैन हकानी का वीडियो लिंक पर बयान रिकॉर्ड करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड करने का फैसला मेमो कमीशन करेगा। सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत का फैसला 26 अप्रैल तक महफूज। वज़ीर-ए-आज़म गैलानी को भी जुमेरात के रोज तलब कर लिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कराची के इलाके लियारी में तरक्याती मंसूबे जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। मौसम की सख्तियों और तमाम तर दुश्वारियों के बावजूद लियारी सेक्टर में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू टीम 85 फुट की दूरी पर कामयाबी के लिए पुरुमी। और एंजेलिना जोली का इक्वाडोर में पनाह गुजीनों के कैंप का दौरा। हॉलीवुड स्टार पनाह गुजीनों से घुल मिल गईं।